क्योंकि इसका जो लेंथ है वो कुछ ज़्यादा है नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। मैंने कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, आई थिंक 1 या 2 जून को ऑर्डर करा हुआ था ये ट्राईपॉड। मैंने करा था तो वो अमेज़ॉन एजेंट का जस्ट कॉल आया था कि वो लेके आ चुका है, तो उसी को पिक करने के लिए जा रहा। चलो देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, यही है। वीडियो में जो इसके ये डॉट्स दिखाए थे वो कुछ ज़्यादा मोटे थे, लेकिन इसमें वैसे से है नहीं। इसमें आप फोन, DSLR कुछ भी लगा सकते हो। ये इसका छोटा सा क्लिप, अगर आप फोन से ब्लॉग वगैरह कर रहे हो तो फिर इसमें लगा के कर सकते हो। 364 लेवल है, कुछ ज्यादा भी मेरे रिकॉर्ड कर रहा, तो आई थिंक इसका लेंथ कुछ ज़्यादा भी नहीं है। फ़ोन जितना आप हैंडल करते हो उसके आसपास का ही लेंथ है सबसे। लेकिन सही जो चीज़ इसमें ये चीज़ है कि आप टाइम लैप्स वगैरह के लिए इसको स्टैंड स्टिल पर रख सकते हो। ऐसे रख के आप इसको 360 फोल्डेबल लाइए तो आप टाइम लैप्स वगैरह इससे अच्छे से ले सकते हो, तो फॉर दैट इट्स अ गुड थिंग। बाकी इसको पकड़ के ब्लॉक करना वो काफ़ी मेरे को सही नहीं लग रहा, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो कुछ ज़्यादा है नहीं। सो अगेन वेलकम बैक टू चैनल। अभी जो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ वो ट्राईपॉड के थ्रू शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस तो इंक्रीज हो ही रहा है नॉर्मल के कंपेयर्ड। बाकी कुछ ज़्यादा हाइट नहीं इसका, आई थिंक हाइट 3 से 4 इंच अगर और ज़्यादा होता तो वो दैट वुड बी ए प्लस पॉइंट। हाइट जो भी है उसके साथ ही रहना पड़ेगा। मैंने इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर करा था कुछ दिन पहले। ये है उस साइड का मौसम, उधर का देखो और इस साइड का मैं आपको दिखाता। ये देखो बॉस, टोटली डिफरेंट है ये। उधर कुछ और दिख रहा है, इधर कुछ और दिख रहा है। इधर लग रहा है जैसे बारिश बहुत तेज़ आने वाली है, उस साइड से लग रहा है अभी जैसे सनसेट भी नहीं हुआ।
इसको कहते हैं आत्मनिर्भर होना, बच्चे अकेले क्रिकेट खेल रहे हैं। सो फाइनली आज का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सही है। हम लोगों ने प्लान बनाया था, मैं हमारे कुछ फ्रेंड्स थे कॉलेज के, सभी ने प्लान बनाया हुआ था कि साइकिलिंग के लिए जाएंगे। यहाँ पे एक पास में ही लेक है, जब भी लॉकडाउन खुलेगा मैं आपको वहाँ का व्यू सारा दिखाऊंगा। तो लेकिन एट लास्ट पॉइंट वो प्लान कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि एक फ्रेंड जो है वो आज के फ्लाइट से निकल गया दिल्ली, तो वो कुछ काम था, अर्जेंट काम था, इस करके तो वो अब 2-3 दिन के बाद ही आएगा, तो उसके बाद ही कोई प्लान सोच सकते हैं। तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, बाकी अब कल का देखते हैं क्या होता है। यार अगर ब्लॉगिंग की बात होती है ना, तो हर एक इंडियन के फेस पे सबसे पहला जो नाम होता है, सब उनके लिप्स पे सबसे पहला जो वर्ड होता है वो एम होता है, और उस एम से बनता है मुंबई का निखिल। तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई का निखिल, क्योंकि ब्लॉगिंग का देवता अगर मान लो आप, तो इंडियन ब्लॉगिंग का देवता वही है। क्योंकि ब्लॉगिंग के स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग कोई जानता भी नहीं था, इतना कुछ पता भी नहीं था लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में, वही एक बंदा है जो ब्लॉगिंग को इंडिया में लेके आया, लोग इंटरेस्ट दिखाने लगे। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, पीपी ब्लॉग हो गए, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो कि उसको देख के जिन्होंने स्टार्ट करा हुआ है। तो ये तो स्टार्टिंग ही है, आगे अपकमिंग डेज में तो इससे अच्छा करना हर किसी का ट्राई होता है, मेरा भी ट्राई है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर अमेजिंग कंटेंट्स इन अपकमिंग डेज। सो फॉर दैट प्लीज़ स्टे ट्यून्ड इन टू माई चैनल, दैट इज़ कमल मोहन। एट लास्ट मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने ट्राईपॉड लिया, ये कई हद तक अच्छा काम कर रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका जो आगे का कैच करने वाला होता है फ़ोन का, वो कई हद तक टाइट है। एंड सेकेंड थिंग, इसका जो लेंथ है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसा इन्होंने दिखाया हुआ था अमेज़ॉन पर, मैंने अमेज़ॉन से बाय करा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर लेना। उन्होंने दिखाया था 13 इंच का वो, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 6-7 इंच होगा, तो वो चीज़ एक थोड़ा बहुत डिमेरिट कह सकते हैं। मैं भी करने आया था वॉक करते करते हो गई है रात, तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। इफ़ यू एंजॉयड दिस ब्लॉग फॉर व्हाट सो एवर रीज़न, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नहीं हो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले कंटेंट के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हैप्पी। और मैंने इस ट्राइपॉड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर किसी को पसंद हो तो आप चेक कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सो मच, टेक केयर।